हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज मैं आपके लाया हूँ बिग बैश लीग 2023 के दोस्तों जो है 40th मैच की मैच प्रेडिक्शन। मतलब 40th मुकाबला ये खेला जाएगा एडल स्टेक ब्रिस्बेन हीट के बीच। मुकाबला होगा 14 जनवरी की दोस्तों सुबह 10:30 बजे भारतीय समय अनुसार मुकाबला होगा एडिलेड ओवल ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, तो मैच में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं लाइव आता हूँ, कोई भी अपडेट देता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मिस नहीं करेंगे। और जब तक आप ऑल पे नहीं दबाएंगे ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन, तो आपको नोटिफिकेशन नए दोस्तों नहीं आएंगे, आएंगी लेट आएंगी जब तक मैच मिस हो जाएगा। कोई नहीं, ऑल पे सेलेक्ट कर लो, फिर सो जाओ, उसमें आपको कोई पैसे नहीं लगने वाले। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं होना, तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैच की सारी ट्रेडिंग्स जो है टेलीग्राम पे ही होती है, कब लॉस कर करना है, कब बुक सेट करना है, ठीक है। तो ज्वाइन हो जाइएगा गाइस। तो एक बात और बता दूं कि लिंक जो है टेलीग्राम का जरूर ज्वाइन होना है, उसमें ज्वाइन नहीं होंगे तो बहुत सी चीज़ें मिस कर देंगे। तो जो मुकाबला जैसे मैंने बताया एडिलेड में खेला जाएगा, एडिलेड में एक बहुत बड़े प्लेयर की वापसी है, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। वैसेगार, क्वालिटी ग्रैंडहोम, ट्रैविस शेड, एलेक्स केरी भी खेल सकते हैं, ठीक है गाइस, हैरी निल्सन, जेट बेदरल्ड है इस टीम में, एडम होस, टॉम कैली, क्रिस लेन, मैथ्यू शॉर्ट, हेनरी थॉर्टन, पीटर स्विलर जैसे प्लेयर हैं। अगर मैं ब्रिस्बेन हीट की टीम पे ना डालूँ तो उनके पास रॉस वेस्ली, जेविर बालेट, उस्मान ख्वाजा, जेम्स बेजली, यैम हैजल जैसे प्लेयर हैं दोस्तों, डब्ल्यू प्रिस्मिथ, मैट ट्रेंशो, मैथ्यू मानस, लाबुशेन जैसे प्लेयर हैं, मिचेल सैप्सन जैसे प्लेयर हैं। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि गाइस पल्ला तो दोस्तों एडिलेड साइकिल का पल्ला भारी है, और ट्रेविस हेड की तो रिपोर्ट कन्फर्म है, एलेक्स कैरी खेलेंगे या नहीं ये देखना। अगर इन दोनों टीमों के पिछले 5 मुकाबले में ना डालूँ, तो 5 में से 2 जीत कर आ रहा है एडिलेड, 3 हार कर आ रहा है एडिलेड, ठीक है, 2 जीत कर 3 हार कर आ रहा है, और ब्रिस्बेन हीट का तो 1 ही जीती है, 4 हार गई है। वैसे तो हर साल ही हारते हैं, लेकिन इन दोनों टीमों के बीच पिछला मुकाबला हुआ था कैबा में, वो ब्रिस्बेन ने मात्र 6 रन से जीता था, उससे पहले एडिलेड ने, फिर ब्रिस्बेन ने, तो एक एडिलेड ब्रिस्बेन, एक एडिलेड ब्रिस्बेन, ऐसे करते हैं ये, ठीक है। अगर इन दोनों टीमों के पिछले 10 मुकाबलों पर ना डालूँ, तो ओवरऑल ग्राउंड्स पे तो पिछले 10 मुकाबलों में विनिंग परसेंटेज है 50% एडिलेड का, 20% ब्रिस्बेन हीट का, 166 रन एवरेज स्कोर है एडिलेड का, 159 रन ब्रिस्बेन हीट का, 230 रन हाईएस्ट है दोस्तों एडिलेड का, 224 ब्रिस्बेन हीट का, 108 रन लोएस्ट है दोस्तों एडिलेड का, 121 रन लोएस्ट है ब्रिस्बेन हीट का। इस वेन्यू पे ना डालूँ तो 10 मुकाबले में 80% विनिंग परसेंटेज है एडिलेड का, 168 रन है एवरेज स्कोर दोस्तों एडिलेड का, 166% विनिंग परसेंटेज है ब्रिस्बेन हीट का, 155 रन एवरेज स्कोर है ब्रिस्बेन हीट का, 230 रन जो है दोस्तों हाईएस्ट स्कोर है एडिलेड साइकल्स का, 208 रन है ब्रिस्बेन हीट का, लोएस्ट स्कोर 129 है एडिलेड साइकल्स का, 91 है ब्रिस्बेन हीट का। तो अपने ग्राउंड में तो यार ये हमेशा से ही आग लगा देते हैं, बहुत बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। और इस मुकाबलों में, इस यहाँ पर मैं कुछ मुकाबले हुए थे उस पर ना डालूँ, तो एडिलेड और मेलबर्न का मैच हुआ था, 202 रन एडिलेड ने बनाए थे, मेलबर्न रेनेगेड जो है चेस नहीं कर पाई थी, वहीं होबार्ट हरिकेन्स ने 229 रन बनाए थे, और एडिलेड ने 3 गेंद रहते हुए चेस कर लिया था, यार क्या बेहतरीन चेस था वो। फिर मेलबर्न स्टार्स ने 186 बनाए थे, एडिलेड 178 पर निपट गई थी, चेज नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो पेस वर्सेस स्पिन विकेट्स की बात करूँ, 63 विकेट्स पेसर्स ने लिए हैं, 41 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं, तो पेसर्स का बोलबाला रहता है यहाँ पे हमेशा से। और यार इस एडिलेड का नाम आता है ना, तो मुझे इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल याद आ जाता है, क्या ही भयानक दिन था वो इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। और गाइस, अगर मैं सेशन की बात करूँ, 6 ओवर में यहाँ पे बनते हैं पहली पारी में 51 रन, दूसरी पारी में बनते हैं दोस्तों 45 रन, 10 ओवर में यहाँ पे बनते हैं पहली पारी में 78, दूसरी पारी में 77, 15 ओवर में यहाँ पे बनते हैं पहली पारी में 123, दूसरी पारी में 119, 20 ओवर में यहाँ पे बनते हैं पहली पारी में 175, दूसरी पारी में 158। तो ये है सेशन दोस्तों, तो आप फटाफट सेशन खेलो, जिसको भी सेशन खेलना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाइएगा, फिर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको फर्स्ट कवर में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम पे, आपको जो है सेशन फ्री में दे दूंगा। और एक बात और दोस्तों, बहुत से मैचेस होते हैं जिनकी मैं वीडियो नहीं बना पाता, पर उनकी मैच परीक्षा आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी, तो उसके लिए भी ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है गाइस। बस एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे नाम पे टेलीग्राम पे, तो अगर आप उन फेक चैनलों से बच के रहना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पहले का लिंक दिया जाता है, उसी से ज्वाइन हो, उसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई लिंक मिले टेलीग्राम का, तो ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये तो थे कुछ आंकड़े,
और एडिलेड में मैं आपको बता दूं, ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी की वापसी होती है तो बेहतरीन टीम हो जाएगी। ट्रेविस हेड तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं और गजब फॉर्म में है गाइस। तो सबसे पहले अगर मैं पिच रिपोर्ट पर ना डालूँ तो एडिलेड की जो पिच रिपोर्ट है एडिलेड ओवल की कुछ इस प्रकार है। देखते हैं चेज होता है कि डिफेंड 67 मैचेस हुए हैं, पहले बैटिंग करने वाली ने जीते हैं 40, दूसरे बैटिंग करने वाली ने जीते हैं 27 मुकाबले, ठीक है 167 रन एवरेज स्कोर रहता है। सिडनी थंडर का जो है दोस्तों 232 रन हाईएस्ट है, यहाँ पे लोएस्ट स्कोर एडिलेड का है, एडिलेड का भी यहाँ पे 230 है। तो स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ 150 से कम 16 बार, 150 से 169 के बीच का स्कोर 18 बार, 170 से 189 के बीच का स्कोर 24 बार, 190 से ऊपर स्कोर 9 बार बन चुका है, ठीक है। तो ये तो थी पिच रिपोर्ट्स। अब आइए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर डाले। तो मैंने जो है अभी एलेक्स कैरी को नहीं रखा है क्योंकि उनका मुझे कुछ कंफर्म नहीं था, लेकिन मुझे ट्रेविस हेड का तो कंफर्म है कि खेलेंगे। तो मैथ्यू शॉट ओपनिंग करेंगे क्रिस लिन के साथ, ट्रेविस हेड नंबर 3, एडम होस नंबर 4, थॉमस कैली नंबर 5, हैरी नीलसन नंबर 6। अगर ये खेलेंगे तो ये हैरी नीलसन चले जाएंगे, अगर कैरी खेलेंगे तो बैन मनंती नंबर 7, कैमरन वॉश नंबर 8, वैस अगार नंबर 9, हैरी थॉर्नटन नंबर 10, पीटर सिडल नंबर 11। वह अगर मैं ब्रिस्बेन हीट की प्लेइंग 11 पर डालूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी टीम में अगर ट्रेविस शॉट और कैरी आ जाते ना तो बेहतरीन टीम हो जाएगी। वो बैटिंग जो है कोलैप्स कर गई थी पिछले मैच में, इस बार अगर ये दोनों आ जाते तो अच्छा खेलेंगे। वह अगर मैं ब्रिस्बेन हीट की टीम में डालूं तो उस्मान ख्वाजा कप्तानी करेंगे जॉश ब्राउन के साथ, मानस लाबुशेन नंबर 3, मैट रेंशो नंबर 4, जिमी पियर्सन नंबर 5, मैक्स ब्रायन नंबर 6, रॉस वेस्ली नंबर 7, माइकल नीसन नंबर 8, जेवियर बालेट नंबर 9, मैथ्यू कुनिनमैन नंबर 10, स्पेंसर जॉनसन नंबर 11, ठीक है। सो ये तो थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। तो मैं आपको बता दूं उस्मान ख्वाजा, मैट रेंशो और लानस लाबुशेन के आने से ये टीम भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, ठीक है। क्योंकि सबको पता उस्मान ख्वाजा यार बहुत बेहतरीन प्लेयर है, हालांकि पिछले मैच में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, पावर सर्ज में आउट हो गए थे, लेकिन है यार मानस लाबुशेन और ये उस्मान ख्वाजा। और यार कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर जब टीम में आता है ना तो टीम को बूस्ट मिलता है, और बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है टीम को। तो अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है आपको। जो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच में चेंज होता है ना तो उसकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम में देता हूँ। और दोस्तों बहुत से छोटे छोटे मैच होते हैं जिनकी मैं वीडियो नहीं बना पाता, पर उनकी मैच मेरे नाम टेलीग्राम में मिलती है, तो ज्वाइन हो जाएगा। सेशंस और फैंटेसी टीम्स भी आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, वहाँ आपके लिए भी उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, जैसे लिंक जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम में फायदा क्या होगा ना दोस्तों, लाइव मैचेस में जो अभी अपडेट्स होगी जैसे लॉन्चर बुक्स क्या ट्रेडिंग करना है, सब मैं आपको जो है गाइड करूंगा, जिससे कि आप जो है आराम से खेल सकें, ठीक है गाइस। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे नाम पे टेलीग्राम पे, तो अगर आप उन फेक चैनलों से बच के रहना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है, उसी से ज्वाइन हो। उसके अलावा कहीं पर भी कोई लिंक मिले टेलीग्राम का तो ज्वाइन होने की जरूरत नहीं गाइस। मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना, यूट्यूब को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सभी सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट करेंगे ना बेल आइकन, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, नहीं तो इतने मैचेस हो रहे हैं गाइस नोटिफिकेशन हम मिस कर देंगे, तो वो मत करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि आपको जो है कन्फर्मेशन मिलती रहे मेरी वीडियो की, और सब्सक्राइब कर दें तो हमें जो है मोटिवेशन भी मिलता है आगे अच्छा करने का। तो गाइस मेरे हिसाब से जो टीम मैच जीतेगी होगी एडिलेड स्ट्राइकर्स, जी हाँ दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स से मुकाबला जीतेगी मेरे हिसाब से। हालांकि फाइनल प्रेडिक्शन में दे दूंगा आप लोगों टॉस टेलीग्राम पे, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें। ओके गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।